मुश्किल है हमारी इस मजलिस के जो सदर हैं मोहतरम जनाब अहमद अय्यूबी सर, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारा इस्तकबाल कबूल फरमाएं, और उसके लिए मैं मोहिउद्दीन साजिद अख्तर अली अहमद सर के इस्तकबाल में जो लोग शामिल हैं उनमें मोहिउद्दीन मारूफ सनतकार हैं, साजिद अख्तर अली अकबर हॉस्पिटल में प्राइज अंजाम दे रहे हैं, अल्ताफ सर इसी स्कूल में टीचर हैं, मैं बजात खुद मैं भी इसी स्कूल में टीचर हूँ, समंदर खान रिक्शा ड्राइवर। शुक्रिया सर, हम मशहूर हैं और खुतबा सदारत के लिए मैं आपको आवाज देता हूँ इन अशार के साथ कि कहाँ तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, कहाँ तक वक्त के दरिया को हम ठहरा हुआ देखें, हसरत है कि इन आंखों से कुछ होता हुआ देखें, बहुत मुद्दत हुई ये आरजू करते हुए हमको, बहुत मुद्दत हुई ये आरजू करते हुए हमको, कभी मंजर कहीं हम कोई अनदेखा हुआ देखे, सुकूत शाम से पहले की मंजिल सख्त होती है, सुकूत शाम से पहले की मंजिल सख्त होती है, कहो लोगों से सूरज को ना यूं ढलता हुआ देखे, हवाएं बादवा खोले लहू आसार बारिश हो, जमीन सख्त तुझको फूलता फलता हुआ देखे। मैं अहमद अय्यूबी सर से दरख्वास्त करता हूँ आज के सदर के वो खुतबा सदारत यहाँ पर पेश करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, कह जमी आसमान के मालिक सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्जे में सब खुदाई है तेरे ही वास्ते बड़ाई है। आज हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा तमामी मौजज असाज़े कराम, आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज की जो जीनत बने हुए हैं रौनक बने हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ सबसे पहले जमुरा हाईस्कूल एंड जूनियर कॉलेज में, कि जैसा कि खलील सर ने आपको बताया था इससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि गरीब बच्चे यहाँ जो पढ़ते हैं, जमुरा हाईस्कूल इज ट्रेडिशनल मदर ऑफ द पुअर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैं आपको बताऊं कि हमेशा जमुरा हाईस्कूल ने गरीब तलबा और तालबात की मदद की है, और ऐसे ऐसे असाज़े कराम आप देखते हैं, अमीर सर हमारी महफिल में हैं, खलील सर हमारी महफिल में हैं, इब्राहिम सराय हैं, शकील सराय हैं, कि खलील सर तो एक ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे जमुरा हाईस्कूल के, जहां जाते हैं जमुरा हाईस्कूल का नाम रोशन करते हैं, और उषा मैडम आई है आप देख रहे हैं कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा चेहरा चांद के जैसा लगता है, और आप खलील सर को देख रहे हैं कि बूढ़े बाप का बूढ़ा चेहरा चांद के जैसा लगता है। असाज़े कराम आप अजीज तलबा तलबात आप यहाँ तशरीफ़ लाए, जमुरा हाईस्कूल में आपने प्रोग्राम किया, मैं आपके इस्तकबाल करता हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने जमुरा हाईस्कूल को चुना, यहाँ से जो खुशबू के काफिले आप निकल यहाँ से निकल रहे हैं आपकी वजह से, यहाँ से जो खुशबू काफिले निकल रहे हैं, मैं इन मित्रों के साथ इन तलबा तलबात जिन्होंने ये प्रोग्राम पर इनके इस्तकबाल करता हूँ कि गहराइयों में रूह की सूरज उगा के दे, गहराइयों में रूह की सूरज उगा के देख, एक कृष्ण लब को धूप में पानी पिला के देख, और निकलेंगे घर के गोशों से खुशबू के काफिले, आंगन में गुलाब का पौधा लगा के देख। अरे आपने भी गुलाब का पौधा लगाया है, और जिसकी चमक दमक जो है और जिसकी खुशबू जो है चारों तरफ बिखेर रही है, मैं आप आलू से शायर ने कहा है कि दस्ते मासूम को ये लौह कलम देते हैं,
कि दस्ते मासूम को ये लौह कलम देते हैं, नौनिहालों को ये कंदीले धर्म देते हैं, और रोशनी बांटते फिरते हैं ये सूरज की तरह, डूबते हैं तो सितारों को जन्म देते हैं। ये हमारे असाज़े कराम जिनका आपने इस्तकबाल किया, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आज के प्रोग्राम में जनाब शकील सादिक सर साहब ने, अमीन सर ने, इब्राहिम सर ने, खलील सर ने और शब्बीर सर ने, और सबसे बड़ी बात कि जब भी जमूरा हाई स्कूल का जिक्र होता है, धुलिया का जिक्र होता है, तो हमारी महफिल में असलम सर, हालांकि सिर्फ असलम सर ऐसे टीचर हैं जिनके साथ मैं एजुकेशन नहीं दे सका, उनके साथ बाकी तमाम असाज़े कराम जो हैं, मैंने अपनी तालीम यहाँ पर जब लगा तो तमाम असाज़े कराम थे और क्लर्क हजरात थे यहाँ पर, ज़ुबैर हजरत और तमामी लोग, तो असलम सर का नाम हमेशा निकलते रहता है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि बहुत सारे असाज़े कराम ने अच्छे मैसेज दिए हैं, बहुत सारी बातें दी है, तो मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में दो चीज़, मेरी बात याद रखिएगा कि इंसान की नाकामी के पीछे सिर्फ एक लफ्ज है, लापरवाही। सिर्फ एक लफ्ज, 24 जो वाले एक कारखाने अगर हम कामयाब है, 24 जो हम चलाते हैं नाकाम होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही होती है। अगर इंसान लापरवाही को तर्क कर दे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और दूसरा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि दुनिया में हर मसला हल हो सकता है बातचीत के जरिए, बातचीत बंद मत कीजिए, बातचीत अगर जारी रहेगी, बातचीत अगर जारी है तो दुनिया के तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बातचीत जहाँ बंद होती है वहाँ गुमानियाँ बढ़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे आती हैं, तो बातचीत हमेशा हर मामले में आप जो है बातचीत को जारी रखें, बातचीत कभी बंद नहीं होना चाहिए। मैं जाहिद यूसुफी सर से गुजारिश करूँगा कि ऐसे असाज़े कराम जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको हम याद कर रहे हैं, और ऐसे ऐसी शख्सियात आप देख रहे हैं, जमूर हाई स्कूल की जब बुनियाद पड़ी तो हमारे चिराग साहब जो है जिन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, डांगे साहब हैं, चिराग साहब हैं, निहाल साहब हैं, इन लोगों ने सूफी नदे सूफी साहब और बहुत सारे असाज़े कराम जो बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहा दिए स्कूल के लिए, और आज ये स्कूल इतनी दरख्शां सितारे की तरह चमक रही है। मैं जाहिद यूसुफी सर से गुजारिश करूँगा कि ऐसे असाज़े कराम जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके नामों का एक मतवे ऐलान कर दें, मैं उनकी नज़र जो है वो नज़र करने वाला हूँ। ऐसे असाज़े कराम जो इस स्कूल के जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसरारुल हक मौलाना सर, अताउल्ला माहवी सर, रफीक पंडित सर, हसन फारूकी सर, गुलाम सरवर सर, इलियास सिद्दीकी सर, अब्दुल बासित सर, जमील अंसारी सर, गैर तदरीसी अमला में अब्दुल वाहिद बाबा, मोहियुद्दीन भैया, मंजूर भैया, हुसैन भैया, मुश्ताक यूसुफी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद सर। मैं इन तमाम ही हजरात और मैनेजमेंट के लोग, टीचिंग नॉन टीचिंग तमाम ही हजरात की नज़र ये नज़्म करना चाहूँगा कि आज हालात ये है कि दीने जीने से दिल बेदार है, हर सांस एक आज़ार है, जीने से दिल बेदार है, हर सांस एक आज़ार है, कितनी हजी है जिंदगी, अंधों हो गई है जिंदगी, वो बज़्म में अहबाब वतन, वो हम नवायाने सुखन, आते हैं जिस हम याद अब, करते हैं दिल नाशाद अब, गुजरी हुई रंगीनियाँ, खोई हुई दिलचस्पियाँ, वो जमजमे वो चह चहे, वो रूह अब्दा कह कहे, जब दिल को मौत आई न थी, यूं बेहिसी छाई न थी, और सुनता हूँ जब अहबाब से किस्से गमे अय्याम के, बेताब हो जाता हूँ मैं, आहों में खो जाता हूँ मैं, और फिर वो अजीज व अकरबा जो तोड़ कर अहदे वफा, अहबाब से मुंह मोड़ कर, दुनिया से रिश्ता तोड़ कर, हद्दे उफक से उस तरफ, रंगे शफक से उस तरफ, एक वादिये खामोश की, एक आलम बेहोश की, गहराइयों में सो गए, तारीकियों में खो गए, उनका तस्वुर ना कहां, लेता है दिल में चुटकियां, और खून रुलाता है मुझे, बहरों रुलाता है मुझे, और खून रुलाता है मुझे, बेकल बनाता है मुझे, बेकल बनाता है मुझे। शुक्रिया। इससे पहले कि रस्म शुक्रिया अदा हो, चंद ऐलानात हैं। इस्तकबालिया तकरीब में एक लिफाफा जो दिया गया है वो ज़ुबैर हजरत साहब की तरफ से
तमाम ही लोगों के लिए असाज़े ग्राम और हम बच्चों के लिए भी वो तोहफा है, हमारा तोहफा यहाँ टेबल पर मौजूद है। इसी तरीके से हारून अजीज़ सर की जानिब से नए साल का कैलेंडर तमाम ही लोगों के लिए है, वो भी यहाँ मौजूद है। शुक्रिया के बाद उस जानिब बरामदे में ऐशा की जमात होगी, उसके बाद जो यही इस मंडप में ईशाइया का नज़्म है उसमें असाज़ा किराम और तमाम ही दोस्त शामिल रहेंगे।